बाप रे, पानी निकल रहा है। ये इतना अजीब दिख रहा है। पैकेट खोला और इसके ऊपर ऐसे बाल हैं। आई डोंट नो, मैंने इससे गंदा कुछ मेरी जिंदगी में मैंने खाया है या नहीं। ओ माई गॉड यार, हेलो मीन हार्ट्स, तो कैसे हो आप सब? बहुत बुरे हैं हम लोग। तो गाइस, आप सब ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि 24 आवर्स फूड चैलेंज करो। कर लूंगी यार, इसमें भी कोई बात है? इजी नहीं है, बट आप लोग तो यार बहुत ही ज्यादा जीनियस हो। तो आप लोग तो ढूंढ ढूंढ के मुझे ऐसे ही चैलेंजेस देते हो जो कि करना बहुत ज्यादा टफ होता है। तो आज मैं करने जा रही हूँ आपकी रिक्वेस्ट में 24 आवर्स वर्स्ट रिव्यूड फूड चैलेंज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब कि आज मैं जोमेटो से जितने भी ना एकदम 1 star 2 star वाले रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ से खाना ऑर्डर करके खाने वाली हूँ। पता नहीं कैसा खाना होगा, बट फिर भी आप मुझे कुछ बोलो एंड वो मैं ना करूँ, ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता यार। तो चलो देखते कि मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। आपका रिक्वेस्ट रखा है मैंने यार, तो इस वीडियो को लाइक भी तो करना बनता है ना। टारगेट रखते हैं 100 के लाइक्स का, कर देना ठीक है ना। लव यू। चलो अभी बिना किसी बकबक के चालू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो को। सो गाइस, आजकल हर कोई बिटकॉइन एंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए सही प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए परफेक्ट है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है पॉकेट ऑप्शन। सो गाइस, पॉकेट ऑप्शन एक ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पर आप 100+ एसेट्स पर ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हो। 100+ एसेट्स इंक्लूड स्टॉक्स ऑफ बिग कंपनीज लाइक एप्पल, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एंड आप इनके स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑल्सो क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम एक्सेट्रा। यू कैन ऑल्सो ट्रेड एंड इन्वेस्ट ऑन करेंसीज गोल्ड, सिल्वर। इतना ही नहीं, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आता है देन पॉकेट ऑप्शन ऑफर्स यू ट्यूटोरियल्स, गाइड्स एंड स्ट्रेटजीज टू लर्न। यू कैन अर्न मनी थ्रू सोशल ट्रेडिंग जिसे आप एक्सपर्ट ट्रेडर्स को कॉपी करके, मतलब उनकी स्ट्रेटजीज को कॉपी करके भी पैसे कमा सकते हैं। पॉकेट ऑप्शन ऑल्सो ऑफर्स यू डेमो अकाउंट टू प्रैक्टिस ट्रेडिंग एंड यू गेट $10,000 मतलब की 7 से 8 lakh rupees वर्चुअल कैश टू प्रैक्टिस इन योर डेमो अकाउंट। इसमें S5 फीचर है जिससे आप 20% फास्टर स्पीड में ट्रेड कर सकते हो देन अदर प्लेटफॉर्म्स। इससे मिनिमम एक्सपिरेशन टाइम 60 सेकंड से 5 सेकंड में रिड्यूस हो जाता है। यू कैन इजीली डिपॉजिट एंड विथड्रॉवल थ्रू मोबीक्विक वॉलेट, जियो मनी वॉलेट, एयरटेल मनी वॉलेट, ओला मनी वॉलेट, फोन पे वॉलेट, लोकल बैंक ट्रांसफर एंड मेनी मोर। आप $1 मतलब की 75 rupees से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट 0 rupees कमीशन ऑन डिपॉजिट एंड विथड्रॉवल। एंड ये प्लेटफॉर्म iOS एंड एंड्रॉइड दोनों पे अवेलेबल है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डाउनलोड टुडे एंड स्टार्ट ट्रेडिंग थ्रू पॉकेट ऑप्शन। ट्रेडिंग इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस एंड रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ डेप्थ इन नॉलेज एंड ट्रेडिंग, एंड यू कैन ऑल्सो लूज योर मनी, सो इट्स स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड टू बी यूज्ड बाय एडल्ट्स। गुड मॉर्निंग नील हार्ट्स। तो सुबह सुबह मुझे बहुत ज्यादा भूख लग जाती है, आपको तो पता ही है। मतलब आपको मत सिखा, चल। तो मैंने ऑर्डर किया है मेरा वन ऑफ द फेवरेट फूड। क्या 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 क्या? मोमोज। मुझे बताओ यार, आप में से किस किस को मोमोज खाना पसंद है? और ब्रेकफास्ट में वो भी सुबह सुबह उठते ही आपको मोमोज मिल जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? पूछा मैंने कुछ? बट ट्रेजेडी ये है कि मुझे ना वर्स्ट रिव्यूड मोमोज खाने हैं यार। सबेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? बट कोई बात नहीं, हो सकता है कि रिव्यू खराब हो बट मोमोज अच्छे निकले। मेरे पास ऑलरेडी मोमोज आ चुका है गाइस। सिर्फ एक ही हमारे पास बोल है, ठीक है देखते हैं खोल के कि इसके अंदर क्या क्या है। यार मैंने तो नॉर्मल स्टीम मोमोज ऑर्डर किए थे, पता नहीं इसके ऊपर ये क्या है। लग तो रहा है कि बहुत सारा चिली फ्लेक्स है यार। तो रहने दो फिर, इतना तीखा और स्मेल भी बिल्कुल मिर्ची जैसा कर रहा है यार, नाक जल रहा है मेरा स्मेल से। मोमोज के साथ तो रेड जो स्पाइसी चटनी होता है वो तो आता ही है, स्पाइसी सॉस, साथ में मेयोनीज भी आता है, सूप भी आता है। अच्छा हमको सिखा रहा है, बट इसमें सिर्फ यही आया है यार, मैंने तो इतना एक्सपेक्ट किया था। बट ठीक है देखते हैं कितना पीस आया है हमारे पास। 1 2 3 इतना सॉगी सॉगी लग रहा है यार मोमोज। 4 5 6 पता नहीं, हो सकता है कि चटनी इसके ऊपर से डाल दिया गया हो। तू क्या बोल रही है? नो सॉस, नो मेयोनीज, नो सूप, बट सिर्फ मोमोज है जिसके लिए हमसे लिया गया है ₹352। यार दिस इज बिजनेस। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? बट ठीक है ट्राई करते हैं, हो सकता है कि टेस्ट अच्छा हो। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं?
स्वाद। यार बहुत ज्यादा स्पाइसी है ये तो। किन्ना बिल्कुल लटक रहा है, फीलिंग भी उतना ज्यादा नहीं है, बट मुझे यही खाना पड़ेगा गाइस। सो ठीक है, कैसे भी करके खा लेती हूँ। शाबाश बेटा। गाइस मैं इसको और बिल्कुल नहीं खा सकती, ना ही मैं खा सकती हूँ, ना मैं किसी को इसको खाने दूंगी, बिकॉज एसी ऑन है बट मुझे पसीना आ गया इतना ज्यादा हॉट एंड स्पाइसी। तो मैं भी इसको यार 1 स्टार किया, मैं तो उसको 0 स्टार देने वाली हूँ, मैं रिपोर्ट कर दूंगी अभी के अभी। ब्रेकफास्ट का बिल्कुल सत्यानाश हो गया, मूड ऑफ हो गया मेरा। गाइस इट्स लंच टाइम नाउ और मेरा लंच भी मैंने मंगवा लिया है, ऑलरेडी आ गया है। I'm so excited guys, आपको तो पता ही है कि मुझे बिरयानी खाना कितना पसंद है, और ये रहा मेरा वर्स्ट रिव्यूड बिरयानी। चलिए खोलते हैं इसको। ये रहा बिरयानी का डब्बा, थोड़ा सा सलाद दिया गया है, शायद थोड़ा सा चटनी है, बट पता नहीं क्यों इससे पानी निकल रहा है। मगर क्यों, फ्रेश तो बिल्कुल नहीं लग रहा, एंड आई थिंक ये ना खराब हो चुका है, तो मैं सलाद नहीं खाने वाली हूँ, मैं ट्राई करने वाली हूँ मेरी फेवरेट चिकन बिरयानी। खोलते हैं। सो देख सकते हो क्वांटिटी कितना है, तो मैं प्लेट में डाल दूँ? रहा नहीं जाता। वाओ काफी अच्छा खासा क्वांटिटी है यार, मतलब देख सकते हो ना बिल्कुल प्लेट मेरा भर गया है, एंड बिरयानी का स्मेल काफी अच्छा लग रहा है मुझे तो। आई एम सो एक्साइटेड फाइनली, थोड़ा सा टेस्ट करके देखूं। सही में बहुत ज्यादा अच्छा है टेस्ट इसका यार, एंड ये तो सिर्फ मैंने 150 रुपीज में मंगवाया। टू गुड बट यार, बट इसके अंदर तो मुझे चिकन कहीं पे भी नहीं दिख रहा, चिकन का है यार। गाइस चिकन बिरयानी में चिकन मिसिंग है, ये कैसे हो सकता है कि मैंने चिकन बिरयानी ऑर्डर किया और मुझे सिर्फ आलू बिरयानी मिल गया, तो इसका तो रेटिंग खराब होना ही था। वैसे इस वाले का ना रेटिंग उतना भी खराब नहीं है, 3.5 स्टार रेटिंग है, तो काफी अच्छा होना चाहिए था। टेस्ट मैं बिल्कुल बोलूंगी कि काफी अच्छा टेस्ट है, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बट यार चिकन तो दिया ही नहीं मुझे। कोई बात नहीं गाइस, बिना चिकन का चिकन बिरयानी खाएंगे हम लोग। यार ये कितनी ऑसम है यार। So guys, ये जो बिरयानी है ना ये काफी टेस्टी है, तो इसलिए मैं इसको 5 स्टार दे देती, बट नंबर 1 तो मुझे चिकन नहीं मिला, इसके लिए मैं 2 मार्क कट कर दूंगी। 150 रुपीस पे किया है तो चिकन तो मिलना चाहिए, सैलेड भी मुझे बहुत ज्यादा गंदा लगा, तो इसके लिए और 1 मार्क माइनस कर दूंगी, मतलब कि 5 में से 2 स्टार देना चाहूंगी। ठीक है, तो अभी मैं खाने वाली हूँ ये 2 स्टार बिरयानी, आपसे मिलती हूँ शाम को। पता नहीं यार दिन भर कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलेगा। So guys, आपको तो पता ही है कि मैंने दोपहर में बिरयानी खाया, वो भी चिकन के बिना, तो मुझे यार बहुत ज्यादा चिकन कुछ खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने ऑर्डर किया क्रिस्पी चिकन। क्या बोला तूने? देखते हैं ये जो मैंने वर्स्ट रेटेड क्रिस्पी चिकन मंगवाया है ये एक्चुअल में कैसा टेस्ट करता है। ओह ओह गिर गया, ठीक है कोई बात नहीं, खा के देखते हैं। ये कैसा क्रिस्पी चिकन है भाई साहब, ये कोई क्रिस्पी चिकन है भी या? So guys, I hope कि आप देख सकते हो कि ये कैसा टाइप का क्रिस्पी चिकन है, मतलब ये ना मैंने पहले सोचा था कि चिकन पॉपकॉर्न जैसा होगा, और ऊपर से कैसा काला काला दिखने में है यार, ऐसा तो मैंने कभी कोई भी क्रिस्पी चिकन नहीं देखा। सच्ची बोलूं तो इसका स्मेल भी बहुत गंदा है, मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इसको खाने का। तो रहने दो फिर। यार मुझे इतना भूख लगा था ना, पूरा भूख चला गया ये देखने के बाद ही। ठीक है मैं टेस्ट करती हूँ पहले, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मैं उपवास कर लूंगी, पूरा दिन फास्टिंग कर लूंगी, बट ये नहीं खाऊंगी। देखो गाइस यार ग्रीन ग्रीन क्या कुछ लगा हुआ है ऊपर में, ब्लैक टाइप का पता नहीं ये मसाला है क्या कुछ है, टेस्ट करते हैं। I don't know, मैंने इससे गंदा कुछ मेरी जिंदगी में मैंने खाया है या नहीं, थोड़ा सा भी क्रंची नहीं है, देखो हार्ड है ऊपर से। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया, ये चिकन पका ही नहीं है ठीक से, देखो मतलब तोड़ा नहीं जा रहा ठीक से,
सो गाइज मैंने चिकन को तोड़ा, आप देखो यहाँ पे जाली जाली टाइप का कुछ है चिकन के अंदर। गाइज आई रियली डोंट नो कि ये फाइबर टाइप का ऐसे ऐसे थ्रेड टाइप का क्या है इसके अंदर, या फिर चिकन अच्छे से पका नहीं है, इतना हार्ड क्यों है, आई हैव नो आइडिया। मैं इसको बिल्कुल नहीं खा सकती, मतलब एक पीस भी मेरे से पूरा नहीं खाया जाएगा। थोड़ा सा खाया ना मैंने, बिल्कुल लिटरली भी उल्टी आ रही है। आई डोंट नो, मुझे मेरा पैसा वापस मिलना चाहिए, इतना पैसा इस छोटी सी, मतलब पैसा बर्बाद, कोई इंसान नहीं खा सकता, इतना ज्यादा गंदा है यार। मैं तो किसी को ना दूं, ये फेंक दूंगी सीधा डस्टबिन में जाके, क्योंकि ये खाने लायक ही नहीं है। ऐसा ड्राई करके बनाया गया है, कुछ भी है यार, बहुत गंदा है, बेहुदा। तो मैं तो इसको 0 स्टार क्या कंप्लेन करूंगी अभी जोमेटो में, इतना गंदा है। छी गाइस, सुबह से इतना गंदा खा रही हूँ, इतना गंदा खा रही हूँ ना कि मेरा बिल्कुल मूड ऑफ हो गया है। मुझे भी डिनर करने का बिल्कुल मन नहीं है, बट मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो अभी कुछ तो खाना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया है ग्रेवी नूडल्स, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। देखते हैं ये कैसा आया है, मुझे बिल्कुल ज्यादा हाई होप्स तो है नहीं। तो सबसे पहले तो पैकेजिंग दिखाना चाहूंगी गाइस। ऊपर से ये जो ग्रेवी है ना, ये इतना अजीब दिख रहा है कि इसको देख के मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा यार, आई स्वेर बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। शायद यही चीज की कमी रह गई थी गाइस, ये मैंने बस ना ये पैकेट खोला और इसके ऊपर ऐसे बाल हैं, देखो। सो जैसे कि आपने देखा गाइस, इसका जो पैकेजिंग है इसी के ऊपर बाल है, और ये देख के मुझे बिल्कुल भी ये खाने का मन ही नहीं हो रहा। मतलब हमने पूरा पैसा पे किया है तो खाना भी तो सही होना चाहिए ना, कैसे बताऊं यार। अंदर में ऐसा होता है ना कि बाल है किसी और का और खाना वो आप खाओगे अभी, मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा इसको खाने का, बट ठीक है ट्राई करते हैं फिर भी। चलो तो मैं थोड़ा सा ना नूडल्स को मिक्स कर देती हूँ इसके अंदर। व्हाट व्हाट, मतलब मैं क्या बताऊं गाइस, अभी मैंने जो देखा आई कांट बिलीव दिस यार, मुझे रोना आ रहा है, हंसी आ रहा है, क्या आ रहा है, मुझे हर एक इमोशन अभी एक साथ हो रहा है, गुस्सा तो बहुत ज्यादा भयानक आ रहा है। आई स्वेयर गाइस इसके अंदर कॉकरोच है, ओ गॉड। मैंने ना बस थोड़ा सा नूडल हटाया, ठीक है बाल तो था, बट अभी इसके अंदर कॉकरोच है, ओ नो, ओ माय गॉड यार। थैंक गॉड कि मैंने इसको नहीं खाया, पहले तो बाल था, बाल ने मुझे बाल बचा लिया आज तो। अगर बाल नहीं रहता ना तो मैं तो खा लेती, देखती भी नहीं कि इसके अंदर क्या है नहीं है। कैसे हाइजीन में ये लोग खाना बनाते हैं यार, पता नहीं, लोग खाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, फूड पॉइजन हो सकता है। मैं तो अभी इसको फेंकने जा रही हूँ। तो गाइस होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आई डोंट नो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जोमेटो में खाना मिल रहा है और उसके अंदर कॉकरोचेस हैं। एक ही है बाय द वे, बट फिर भी एक भी काफी होता है। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उल्टी आ रहा है यार। मैं आज का वीडियो इतना ही तक रखना चाहती हूँ, बाय। अगर आपको ऐसा ही वीडियो देखना है बाद में भी तो जरूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बिल्कुल मुफ्त 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 है। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ गाइस, बाय।